48 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू, सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां, प्रशासन 40 लोगों को निकालने में हो पाएगी कामयाब, क्या 900 मिलीमीटर स्टील पाइप के जरिए बच पाएगी 40 लोगों की जान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल दबने के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। अब अधिकारियों ने ऑगर ड्रिलिंग मशीन बुलाई है जो मलबे में 900 मिलीमीटर स्टील पाइप लगाएगी। ये पाइप फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाएंगे। 900 मिलीमीटर के पाइप पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ऑगर ड्रिलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। कल टनल में खुदाई की मदद से मजदूरों को निकाला जा रहा था, लेकिन वो रास्ता काम नहीं आया, इसी कारण आज नया रास्ता अपनाया जा रहा है, जिसके बाद देखना ये होगा कि क्या पाइप के जरिए फंसे हुए 40 लोगों को निकाला जा सकेगा या नहीं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुरंग के अंदर फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चालू है। राज्य के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग 12 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे ढह गई, जिसमें 40 लोग मलबे में फंसे हैं जिन्हें अभी तक नहीं निकाला जा सका। बता दें बचाव NDRF और SDRF कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरंग के अंदर फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित हैं, हमने उन्हें पानी और भोजन उपलब्ध कराया है, बचाव कार्य जारी है। मलबा गीला होने के कारण हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन हमारी टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम भगवान से सभी की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। लोग जिंदा हैं या नहीं, उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे दी जा रही है, कैसे उन तक खाना पहुंच रहा है, यही सब सवाल आपके मन में होंगे। आइए इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब हम देते हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे सभी मजदूरों से कांटेक्ट हो रहा है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी भेजने के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हो रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक चने के पैकेट भोजन के रूप में भेजे जा रहे हैं। वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे लोगों से बात हो रही है और सभी अंदर ठीक हैं ऐसा कहा गया है। फंसे हुए लोगों द्वारा खाने की मांग की गई, जिन्हें पाइप के थ्रू खाना भिजवाया जा रहा है। पीड़ितों की दूरी लगभग 60 मीटर अंदर बताई जा रही है। ये तो बात रही कि कैसे वो लोग जिंदा है और कैसे सभी तक खाना पहुंच रहा है। बात करते हैं सुरंग की, जिसमें सभी 40 लोग फंसे हैं। ये सुरंग चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से सभी तरह के मौसम में चार धाम की यात्रा आसानी से की जा सकती है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया है कि लगभग 160 बचाव कर्मी ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरंग करीब 850 करोड़ की लागत से बन रही है। पहले इस टनल का कार्य सितंबर के 2023 तक पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हो गई। अब इसे मार्च के 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आखिरी में देखना ये होगा कि क्या सभी 40 मजदूरों को निकाला जा पाएगा या नहीं, और कब तक ये मजदूर बाहर आ पाएंगे। कल भी पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन मलबा गीला था, और आज इस ऑपरेशन का तीसरा दिन है जिसमें टनल के अंदर पाइप डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सभी मजदूर उस टनल के द्वारा बाहर आ पाएंगे या नहीं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।